गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ निशा माइकल। टुडे आई विल टीच यू हिंदी 1। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 2, वर्णमाला। तो बच्चों, वर्णमाला ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। वर्णमाला आप लोग नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो। वर्णमाला क्या होती है? जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। चलिए इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर से देखिए, वर्ण क्या होता है? हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वर्ण क्या होता है? जो भी हम बोलते हैं, हमारे मुख से जो निकलती है, हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता। ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या होती है वर्णमाला? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह निम्न प्रकार से है। स्वर अ आ ई ई उ उ रि ए ऐ ओ औ। ये सब स्वर होते हैं। अ अ ई ई उ उ रि ए ऐ ओ औ। ये स्वर होते हैं और स्वर 11 होते हैं। औ के बाद आता है अंग आह। अंग तथा अह आयोगवा होते हैं। व्यंजन क ख ग घ ग च छ ज झ ञ ट ठ द ध ण त थ द ध न प फ ब भ म ग्य र ल व ष
श स ह क्ष त्र ग्य श्र, ये सभी व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ आ ई ई उ ओ री ए ऐ ओ आओ, ये सभी स्वर होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब स्वर जो है उनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर स्वतंत्र होते हैं और इन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है। अंग को अनुस्वार तथा आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग तथा आहा स्वर नहीं है। औ के बाद अंग तथा आहा आता है और अंग को अनुस्वार आहा को विसर्ग कहते हैं। ये दोनों स्वर नहीं होते। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कितने व्यंजन होते हैं वर्णमाला में? 33 व्यंजन होते हैं और व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते और वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन कितने हैं? 33। क ख ग घ अं च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ग्य र ल व श श स ह, ये सभी व्यंजन हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। क्ष त्र ग्य श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये दो व्यंजन ध्वनियों के मेल से बनते हैं। एक से ज़्यादा व्यंजन की ध्वनियों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं, ड व ढ। ये व्यंजन क्रमशः ड व ढ व्यंजन से विकसित हुए हैं। मात्राएं। तो बच्चों, अब हम मात्राओं के बारे में देखेंगे। मात्रा व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। क्या कह रहे हैं कि व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है। कैसे देखते हैं। स्वर मात्रा शब्द। अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती, शब्द है नमन। आ मात्रा शब्द नाम, ने आ मैं। ई छोटी ई शब्द निशान,
न छोटी ई श आ ने निशान, ई बड़ी ई न बड़ी ई म नीम, उ छोटा उ न छोटा उ क से आ ने नुकसान, उ बड़ा उ न बड़ा उ त न नूतन, री न र प नृप, ए न ए ते आ नेता, ऐ ने ए ने आ नैना, ओ ने ओ टे नोट, आओ ने ओ बे ते नौबत। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से व्यंजनों के साथ स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। विशेष, फर्स्ट पॉइंट अ ई ओ तथा औ की मात्राएं जिस वर्ण के साथ बोली जाती हैं उसके बाद लगती हैं, मतलब आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा जिस भी वर्ण के साथ बोली जाती हैं उसके बाद लगती हैं। सेकंड पॉइंट ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा वर्ण से पहले लगाते हैं, छोटी की मात्रा हमेशा वर्ण से पहले लगाते हैं। थर्ड पॉइंट ऊ तथा री की मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा तथा री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। फोर्थ पॉइंट ए तथा आई की मात्राएं वर्ण के ऊपर लगाते हैं, ए और आई की मात्रा वर्ण के ऊपर लगाते हैं। फिफ्थ पॉइंट अंग को अनुस्वार कहते हैं, इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे ब अंग द रे बंदर, के अंग घ आ कंघा आदि। और फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि अंग को जो अंग की अंग से अंगूर की जो बिंदु होता है उसे अनुस्वार कहते हैं और इसे बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे बंदर हो गया, कंघा हो गया, गंगा हो गया, इस तरह से इसे वर्ण के ऊपर लगाते हैं। सिक्स पॉइंट वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं, और वर्ण के ऊपर जो चंद्रबिंदु लगता है उसे अनुनासिक कहते हैं। सेवन पॉइंट अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं, अह की जो मात्रा होती है उसे विसर्ग कहते हैं, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, इसे वर्ण के बाद में लगाते हैं। विसर्ग अधिकतर शब्द के अंतिम अक्षर के साथ लगाते हैं, जब शब्द के लास्ट अक्षर के साथ विसर्ग लगा होता है तो उसे उसमें लास्ट में जो सुनाई देती है वो ह का साउंड सुनाई देता है, जैसे हम लिखते हैं प्रातः प्रायः, इनमें विसर्ग लगा होता है तो इसमें क्या सुनाई देता है लास्ट में, ह का साउंड सुनाई देता है। ण तथा ढ का प्रयोग देखिए, यहाँ आपको पिक्चर्स दी हुई हैं और उनके नेम दिए हुए हैं कि कैसे ढ और ण और ढ का प्रयोग किया गया है। पेड़, पढ़ना, सीढ़ी, गाड़ी, पहाड़, कड़ाही, हथौड़ी, बढ़ई, बूढ़ा। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से ड और ढ का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए देखते हैं इस लेसन में आपने क्या क्या सीखा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अंग को अनुस्वार तथा आहा को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अह की मात्रा का उच्चारण ह की तरह होता है। तो बच्चों चलिए इस लेसन की एक्सरसाइजेस देखते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपके मौखिक क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? उत्तर 4। 2, ई की मात्रा वाले दो शब्द बताइए। बड़ी की मात्रा वाले दो शब्द बताने हैं, नीम कील। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपके लिखित क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उत्तर वर्ण। क्वेश्चन 2, ओ तथा ओ की मात्रा वाले दो दो शब्द लिखिए। ओ की मात्रा वाले दो शब्द ओखली औरत, ओ की मात्रा वाले दो शब्द पौधा औरत। थर्ड क्वेश्चन, चंद्रबिंदु वाले दो शब्द लिखिए, आँख चांद। थर्ड एक्सरसाइज, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको फिलअप्स में फिल करना है। के, वर्णमाला में डैश स्वर होते हैं। 9, 11, आंसर 11। ख, डैश की कोई मात्रा नहीं होती। ई अ, आंसर अ। ग, व्यंजनों के साथ डैश का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है, स्वरों व्यंजनों, आंसर स्वरों। एक्सरसाइज नंबर 4, सही वर्ण पर अंग की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। शब्द लिखनी है आपको, अंक की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं, बंदर कंघा गंगा हंस। एक्सरसाइज नंबर 5, सही वर्ण पर चंद्रबिंदु लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ आपको चंद्रबिंदु लगाकर वर्ण बना शब्द बनाने हैं, 5, आँच आँख सांप। नेक्स्ट इज बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। नंबर 1, स्वर होते हैं। 13, 7, 11, आंसर इज 11। नंबर 2, व्यंजन होते हैं। 23, 43, 33, आंसर इज 33। नंबर 3, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को कहते हैं। फूलमाला जयमाला वर्णमाला, आंसर इज वर्णमाला। रचनात्मक गतिविधियाँ, ये बुक की एक्सरसाइज हैं, ये आपको कॉपी में नहीं करनी। नंबर 1, श और स का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं और कुछ वर्ण मिस हैं जो आपको फिल करने हैं। शेर, शे ए रे, शेर। शीशा, शे बड़ी ई शे आ शीशा। सै
पै ए रे आ सपेरा. नंबर टू, वे और बे का सही प्रयोग करके चित्रों के नाम लिखिए. बे के रे ई बकरी, ने आ वे नाव, बे अंग दे ऊ के बंदूक. थर्ड इज, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए. यहाँ आपको चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर उनके नाम लिखने हैं. पहाड़, पै है आ रे पहाड़. पेड़, पै ए रे पेड़. सीढ़ी, से बड़ी ई रे बड़ी ई सीढ़ी. से रे के सड़क. कुर्सी, के छोटा ऊ से बड़ी ई और उस पर रे कुर्सी. किताब, के छोटी ई ते आ बे किताब. तो बच्चों, यहाँ ये लेसन कंप्लीट होता है. आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, इसे रीडिंग करनी है इसकी, और इसकी एक्सरसाइजेस को कॉपी में करना है. थैंक यू.